रुको साहिल, रुको साहिल, रुको साहिल। मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ना तुम इसे देखोगे, इसे देखोगे, ना इसे हाथ लगाओगे। बेटा तो ठीक है ना? बच्चा ठीक है ना? बच्चा ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। वेदिका जी, हमारा बच्चा है। आप, 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 आपको गलत है वेदिका जी। मैं अरे अरे क्या कर रहे हो आप? इतनी नाजुक हालत है उनकी, तनाव में उनकी जान भी जा सकती है। कुछ नहीं होगा उन्हें वेदिका जी। नहीं साहिल, मैंने कहा वेदिका जी, वेदिका जी कोई बाड़ी लेके आएगा। साहिल ना हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी बच्चों की डिलीवरी हुई है, कहीं कहीं कुछ हो ना जाए। जल्दी 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 जी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, जल्दी चलिए ना। आप प्लीज बाहर ही रुकिए। मैम प्लीज, उन्हें बचाइए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, खून भी बहुत बह गया है, तो बचाना थोड़ा मुश्किल। नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप, आपको वेदिका जी को बचाना पड़ेगा किसी भी हाल में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आवाज रेज करूँ, लेकिन प्लीज प्लीज बचाइए उन्हें प्लीज। हम पूरी कोशिश करें। थैंक यू। लड़की चल तू। मंजुलांटी मेरी बात, तेरी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से। मंजुलांटी प्लीज मेरी बात पर विश्वास करिए, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई हमें फंसा रहा है। चुप, एक शब्द नहीं सुनेंगे हम तुम्हारे मुंह से। अगर रत्ती भर भी शर्म बाकी है ना, तो खुद ब खुद यहाँ से चले जाओ, वरना वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर पछताएगी, बस चलन कहेगी। एक पत्नी अगर अपने पति के साथ सो जाए तो बच्चलन कहलाती है क्या? खबरदार अगर हमारी बेटी पर उंगली उठाई तो। माँ प्लीज अब आप शुरू मत हो जाइए, यहाँ पहले ही बहुत हंगामा हो चुका है। झूठ बोल रहे हैं जो चुप बैठेंगे। क्या ये सच नहीं है कि साहिल ने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हारे गले में भी मंगलसूत्र पहनाया है, तो हुए ना इस रिश्ते से ये लोग पति पत्नी? तो अगर ये दोनों साथ में सो गए तो इसमें क्या हंगामा हो गया? मतलब मत करिए, अब देखिए ना वेदिका जी की हालत कैसी, जिंदगी की खतरे में उनकी माँ। प्लीज चुप हो जाइए, आप क्यों चुप रहे हैं? ये लोग तुम्हें कुछ भी कहते रहे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे, क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ आपसे, अगर आपको अपनी बेटी की थोड़ी भी फिक्र है ना, तो आप चलिए यहाँ से। पंक्ति, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, हम दोनों खुश थे साथ में, ये सब मेरा बच्चा। मैं अपने हाथ जोड़ता हूं भगवान, प्लीज मेरी वेदिका जी के साथ कुछ, उन्हें कुछ होने मत देना। आप जानते हो कितनी अच्छी है, उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं लाइफ में, तो उनके साथ प्लीज कुछ गलत होने मत देना। हम दोनों सब तो हम दोनों खुश थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी हम दोनों के बीच में, साथ में रहते खुशी खुशी, तो ये अचानक से सिचुएशन कहाँ से खड़ी हो गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा वो भी प्रीमेच्योर पैदा हुआ, इतने स्ट्रेस में मेरा बच्चा पैदा, ऐसा क्यों किया आपने? मुझे जवाब चाहिए, ऐसा क्यों किया आपने, क्यों किया आपने? ठीक है, आपने ऐसा किया ना, लेकिन इसकी सजा वेदिका जी को नहीं मिलनी चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, सजा मिलेगी। मुझे मिलेगी।
प्रीतिका जी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कभी दर्द पहुंचाना नहीं चाहता था भगवान, उनको खुशी खुशी रखना चाहता था हमेशा, लेकिन ये कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे बताओ कि मैं प्रीतिका जी को कैसे समझाऊं कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो होश में नहीं था, मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं है कि मैंने ये ऐसे कुछ किया। मैं वेदिका जी को कभी धोखा नहीं दे सकता भगवान, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता भगवान, उन्हें धोखा नहीं दे सकता मैंने। मैं वेदिका जी को धोखा नहीं दे सकता बढ़िया माँ। सासू माँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं वेदिका जी को धोखा नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता रहा बढ़िया माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता बढ़िया माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। साहिल सर शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। बस हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि वेदिका सही सलामत रहे, उसे कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत बड़ा धक्का लगा है वेदिका को, किसी भी पत्नी के लिए अपने पति को किसी और औरत के साथ बिस्तर में देखना, इससे दर्दनाक घटना कोई हो ही नहीं सकती। तू तो जवान है साहिल, हो सकता है नशे की हालत में तेरे कदम बहक गए हो, किसी को क्या पता। लेकिन वेदिका वो बात ये समझ तो जाएगी, लेकिन कभी भूल पाएगी ये? वो तुझे कभी माफ कर भी पाएगी कि नहीं हम नहीं जानते। आप ऐसे तरीके से भी सासू माँ, मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं उनसे प्यार करता हूँ, दुनिया से लड़ा हूँ मैं उनके लिए, ऐसा नहीं कर सकता बढ़िया। इस सारे फसाद की जड़ पंक्ति है, पंक्ति। अरे साहिल तो मर्द है, डगमगा गए होंगे उसके कदम, मगर वो चुड़ैल लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती है? उसे तो छोड़ेंगे नहीं हम कभी। हमारे बेटे बहू का घर तबाह करने की कोशिश की है उसने, हम उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। अरे बड़ी अम्मा का प्रकोप अभी देखा नहीं है उसने? ये सब जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसके पीछे आपका थोड़ा भी हाथ है तो छुपाइएगा मत। पता नहीं वेदिका जी को भी आपने क्या क्या बोल दिया जाकर, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाना मां। अच्छा बिटिया, अब वो लोग तुम्हारे सगे हो गए और हम तुम्हारे दुश्मन। हम कहते हैं तुम और साहिल दोनों जवान हो, अगर तुम दोनों के बीच कुछ हो भी गया तो इसमें गलत क्या है? तुम भी तो उसकी पत्नी हो। और हाँ, हम गए थे वेदिका जी के पास उनको ये बताने कि उनके और साहिल के बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। साहिल एक जवान लड़का है, उसकी कुछ इच्छाएं होंगी जो वेदिका जी कभी पूरा नहीं कर सकती, ये तो सब जानते हैं। बस करो मां, खुद एक औरत होकर इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती हैं? मां साहिल और वेदिका जी एक दूसरे से प्यार करते हैं क्यों समझती नहीं है? और साहिल की सिर्फ एक ही पत्नी है मां, और वो है वेदिका जी, मैं नहीं। और मैं पूरे यकीन और दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरे और साहिल के बीच कुछ नहीं हुआ। तो अपने ये पागलपन बंद कर दीजिए आप। सोचा आपने एक पल के लिए कि अगर कोई पत्नी अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसे देखेगी तो क्या गुजरेगी उस पर? इसलिए वेदिका जी की प्री में जो डिलीवरी हो गई माँ, मैं तो खुद साहिल और वेदिका जी को मिलाना चाहती थी, उन्हें प्यार के बंधन में बांधना चाहती थी, लेकिन सबको उल्टा पड़ गया। कुछ नहीं करने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझसे कौन सा पाप हो गया है माँ। अब कैसे बात करूंगी वेदिका जी, कैसे समझाऊंगी उनको कि ये सब कुछ सच नहीं है? कैसे उनका विश्वास और बाकी सबका विश्वास वापस जीत पाऊंगी मैं? बेवकूफ मत बनो पंक्ति, साहिल एक अच्छा लड़का है, उसे हाथ से मत जाने दो। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है गलत है या गलतफहमी, पर अच्छे के लिए हुआ है। मौके का फायदा उठाओ और बन जाओ उसकी दूसरी पत्नी। और उसमें क्या है, आजकल तो जानी मानी हस्तियां भी शादीशुदा मर्दों के साथ शादी करती हैं, ये गलत क्या है? हमारी जिंदगी संवर जाएगी पंक्ति, हम सच कह रहे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है मां, लेकिन एक बात मेरी आप सुन लीजिए, आप जैसा चाह रही हैं वैसा कभी नहीं होगा।
और अगर मुझे पता लगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे आपका कोई हाथ है तो आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। हेलो बड़ी अम्मा, पंक्ति मिल गई है। हाँ अकेली है जी। हाँ काम हो जाएगा जी। जी मैम सब सब कुछ ठीक है। वेदिका जी ठीक है ना? ऑपरेशन कामयाब हुआ है। ओह थैंक गॉड। और खून भी रुक गया है। अब उन्हें होश आने का इंतजार है। हमें आपके बच्चे का भी चेकअप कर लिया है हमने। 7वें महीने में हुआ है इसीलिए थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम हैरान है कि इतनी ताकत कहाँ से है इस नन्ही सी जान में। जी ऐसे कैसे करिए आप, अपने माँ का बच्चा है वो, हिम्मत कैसे नहीं होगी। वैसे क्या हम अंदर जा सकते हैं बच्चे और मम्मी को मिलने? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँ। हाँ हाँ जरूर, पर एक एक करके जाएगा। मैं जा क्या था। ठीक है मेरी हो, मेरी और वेदिका जी की प्रिंसेस। आई लव यू बेबी। रुको साहिल, मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ना तुम इसे देखोगे ना इसे हाथ लगाओगे। जानता हूं कि आप मुझसे नाराज है वेदिका जी, लेकिन प्लीज एक 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 बार रुक जाइए। मैं आपको मैं सब सही कर दूंगा। और जब तक आप नहीं चाहती है मैं अपने अपने बच्चे को नहीं छूंगा। सॉरी बेटा, मम्मी ने मुझे अभी तक परमिशन नहीं दी आपको छूने की। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द पापा आपको अपनी गोद में उठाएंगे, अपने दिल से लगाएंगे और कभी जाने नहीं देंगे। प्रॉमिस। सर ये दवाइयां ले आए प्लीज। जी मैं लेके आता हूं। थैंक यू। पंक्ति सिंह।
आप दवाई ले लीजिए। दवाई लो, मैं टीवी लगाती हूँ आपके लिए। महिला सुरक्षा संस्था की औरतें इस लड़की का मुंह काला करने की धमकी दे रही हैं। जी हाँ, ये लड़की वही पंक्ति सिंह है जो कुछ दिन पहले साहिल अग्रवाल के साथ शादी के कारण खबरों में बनी हुई थी। इन लोगों ने यहाँ पर काफी गहमा गहमी मचा रखी है। इन लोगों ने पंक्ति सिंह को घेर लिया है। अब देखना ये है कि पंक्ति सिंह इनके सवालों का क्या जवाब दे। पंक्ति सिंह, हाय हाय, पंक्ति सिंह, हाय हाय। आप लोग कौन है? आप लोग और क्या चाहिए आप लोगों को? हम महिला सुरक्षा संस्था से आए हैं। तेरी वजह से आज वेदिका अग्रवाल जिंदगी की लड़ाई अस्पताल में लड़ रही है। एक औरत के हाथों दूसरी औरत का शोषण नहीं होने देंगे हम। सारे देश के आगे तेरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हर अखबार टीवी में बदनामी होनी चाहिए। जब सामूहिक बदनामी होगी तब दूसरी लड़कियों को भी पता चलेगा कि किसी औरत का घर तोड़ना कितना बड़ा पाप है। मुंह काला करो इसका। पीछे हटी आप सब। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह घटिया हरकत करते हुए। किसी लड़की पे उंगली उठाना उनके उसके कैरेक्टर पे, ये कहां की बात हुई? एक छोटी सी अफवाह क्या सुन लिया आपने, इस बात को बड़ा बना लिया क्यों? अच्छा, ये सब अफवाह है तो बताओ तुम्हारी बीवी क्यों अस्पताल में पड़ी है? क्यों 7वें महीने में बच्चा हो गया? ऐसी क्या खबर मिली है उसे जो इतनी अपसेट हो गई वो? सारे फसाद की जड़ तो ये लड़की है। ये लड़कियां होती ही ऐसी है, दूसरों का बसा बसाया घर तोड़ती है। इन्हें शर्म नहीं है बिल्कुल। लड़की को दोष देना बंद कर दीजिए आप सब। आपके पास कोई प्रूफ है कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ ऐसा? नहीं ना। और पंक्ति के साथ साथ मैं भी कमरे में था। अगर पंक्ति मेरे साथ सोई है तो इसका मतलब ये कि मैं भी पंक्ति के साथ सोया हूँ। मैं भी उतना ही दोषी हूँ, मैं भी उतना ही गलत हूँ। और अगर मुझे किसी को जवाब देना है वो है मेरी बीवी को, जब वो मुझसे सवाल पूछेगी आप सबसे नहीं। आप ठीक तो है? टीवी बंद करो। मैं कान साफ करवाती हूँ। पंक्ति के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना, ये मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ आप सबसे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी ऐसे चले जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज जाइए। चलो आप सभी प्लीज जाइए। पंक्ति प्लीज थैंक्स मत बोलो। हम दोनों का इस तरह कमरे में पाए जाना वो आई एम श्योर किसी की चाल है, और मैं पता लगा के रहूंगा कि इसके पीछे कौन है। ये जो मीडिया वाले आए थे, लेडीज आई थी, मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता था। जो कुछ हुआ है पंक्ति, वो अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं साथ में खड़े रहूंगा तुम्हारे। वैसे भी ये सब लोग सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हैं। वो तो हमारी सोसाइटी की पुरानी आदत है साहब, लड़कियों को टारगेट करना, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन गलत सिर्फ लड़कियों को समझा जाता है। लेकिन हर मर्द तुम्हारी तरह नहीं होता जो लड़कियों की इतनी इज्जत करे। मेरे मन में जो आया वो मुझे बोलना था, तुम्हें डिफेंड करने के लिए बोलना जरूरी था, तो कुछ ना कुछ निकल गया मेरे मुंह से। मुझे ये नहीं पता कि कोई इसे इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे कैसे सोचेगा इस बात को लेके। मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन अभी तुम वेदिका जी के पास जाओ साहब, अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। सर उनके पास जाओ और ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो सब जाकर क्लियर कर दो। ये सब कुछ सही नहीं है। अपने और वेदिका जी के बीच अब कुछ भी आने मत दो साहब। उनके पास जाओ, अपने बेटे के पास जाओ, उसे गोद में लो, जाओ साहब।
गो। थैंक्स पंक्ति। ये वेदिका जी कहाँ चली गई? नर्स। यस सर। वेदिका जी कहाँ चली गई? आपने उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया, बेड खाली क्यों है? नहीं सर, उन्हें दो घंटे पहले होश आ गया था। होश आकर तो मुझे बताएगा कौन? मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे बताना तो चाहिए आपको। वो सर, उन्होंने आपके और उस लड़के के बारे में टीवी पे देखा, वो अपने लड़के को लेकर चली गई।